इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ पांच चीजें जो आपको अपने घर से बाहर फेंक देनी चाहिए। वैसे तो ये चीजें हमेशा हमारे सामने रहती हैं, लेकिन फिर भी नोटिस में नहीं आ पाती। लेकिन जब मैंने इस वीडियो की रिसर्च की तो मैं हैरान हो गया ये जान के कि इनके कुछ बहुत ही मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस चैनल पे हमने बहुत से प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है, लेकिन इन पांच प्रोडक्ट्स की कभी भी बात नहीं की। लेकिन अब इनको डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भारतीय घरों में बहुत ही रेगुलरली यूज़ हो रहे हैं। इतना कि मैं कह सकता हूँ कि आप इन पांच में से तीन प्रोडक्ट्स लगभग रोज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे। हम बात करेंगे कि क्यों ये इतने डैमेजिंग हैं और कैसे आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ स्विच कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजीली अवेलेबल भी हैं। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। हमारा देश भारत तो हमेशा से ही स्मार्ट, सिंपल और होलिस्टिक सॉल्यूशंस के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हम भी आजकल कन्वीनियंट सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो कन्वीनियंस हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट पे भारी पड़े, उसका क्या ही फायदा। इस सो कॉल्ड कन्वीनियंट लाइफस्टाइल से हमारी खुद की हेल्थ को नुकसान हो रहा है। स्टार्ट करते हैं नंबर पांच, एल्यूमिनियम फॉइल से। आज ज़्यादातर लोग अपना खाना एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हैं। यहाँ तक कि माएँ अपने बच्चों का लंच एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करती हैं, बिना ये जाने कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। एल्यूमिनियम सबसे टॉक्सिक मेटल्स में से एक है, लेकिन क्योंकि इसे यूज़ करना ईजी है, इसलिए आजकल खाना पैक करने के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जब गर्म खाना इसमें पैक होता है तो एल्यूमिनियम के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स खाने में आ जाते हैं, और जब हम इस एल्यूमिनियम से प्रदूषित खाने को खाते हैं तो ये हमारी इंटरनल बॉडी फंक्शनिंग को नुकसान पहुंचाता है। एल्यूमिनियम एक थायरोटॉक्सिक मेटल है जो बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। आज मॉडर्न साइंस बता रही है कि थायराइड केसेस का इतना बढ़ जाना एल्यूमिनियम डिपोजिशन की वजह से हो सकता है। और हाँ, एल्यूमिनियम बॉडी में मौजूद जिंक को खत्म कर देता है, जिससे जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो लोग अक्सर ही एल्यूमिनियम फॉइल इस्तेमाल करते हैं, उनके नाखूनों पे सफेद सफेद दाग हो जाते हैं। ये जिंक डेफिशिएंसी है। जिंक भले ही ट्रेस मिनरल है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन कम होना मतलब स्लो मसल ग्रोथ, स्लो बियर्ड ग्रोथ, जल्दी थकान होना और यहाँ तक कि सेक्सुअल कमजोरी भी आ सकती है। लॉन्ग टर्म में एल्यूमिनियम फॉइल को ज्यादा यूज करने से ब्रेन, किडनी और हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है, हम भारतीय तो हमेशा से ही इस्तेमाल करते ही आए हैं मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करना। ये असली भारतीय तरीका है खाने को पैक करने का। इससे कोई केमिकल की चिंता करने की जरूरत नहीं, हार्मोनल बैलेंस परफेक्ट रहेगा, बोन स्ट्रांग रहेंगी और ब्रेन हेल्दी। मलमल का कपड़ा एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी से तो बचाएगा ही, आपका खाना भी भाव से गीला नहीं होगा। नंबर चार पे है फ्लोर क्लीनर। कौन है जो फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करता? लेकिन क्या आपको पता है कि एक टॉक्सिक फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल करना भी आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है? एक बार के लिए थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जरा सोच के देखिए, आप ऐसे रूम में काम कर रहे हो जहां खतरनाक केमिकल्स के मॉलिक्यूल्स हवा में घूम रहे हैं, और आप 10 से 12 घंटे उसी रूम में लगातार सांस ले रहे हैं, और आप रोज ही ऐसी हवा को इनहेल करें, तो क्या इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा? ये मामूली से सर दर्द से चालू हो सकता है और धीरे धीरे सीरियस स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्जीमा और सोराइसिस को भी जन्म दे सकता है। और ये कहानी हर घर की है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो सरफेस क्लीनर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें जहरीले केमिकल्स डाले जाते हैं। रिसर्च ने कंफर्म किया है कि घर के अंदर हवा बाहर के वातावरण से ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन इसका रीजन ऐसे प्रोडक्ट से निकले VOC मॉलिक्यूल से ही पता लगा है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अब आप अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में है, जो है पतंजलि का गुनाइल। गोमूत्र अर्क, लेमन ग्रास और नीलगिरी तेल से बना, इसमें कोई भी खतरनाक केमिकल नहीं डाला हुआ, 100% नेचुरल है, जरूर ट्राई करें। नंबर तीन पे है टेलकम पाउडर। टेलकम पाउडर, जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है टैल्क, धरती पे पाया जाने वाला एक नेचुरल मिनरल है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है टैल्क से? प्रॉब्लम ये है कि नेचुरल फॉर्म में टैल्क में एस्बेस्टोस होता है, जो लंग कैंसर कर सकता है। ऊपर से पाउडर में जो टैल्क के पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो फेफड़ों के अंदर घुस जाते हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ टैल्क की ही नहीं है, लेकिन जब ये पार्टिकल्स आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के साथ मिल जाते हैं, जो लगभग सभी कमर्शियल टैल्कम पाउडर्स में होती ही है,
ये लंग इरिटेशन करते हैं। कुछ ऐसा समझ लो कि जब आप टेलकम पाउडर लगाते हैं तो अपने साथ अपना खुद का PM2.5 जनरेटर लेके घूम रहे हैं। इससे खांसी, सांस लेने में मुश्किल, फेफड़ों का अच्छा काम ना कर पाना और फिर फेफड़े कमजोर हो सकते हैं। कैनेडा के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफी रिसर्च के बाद ये स्टेटमेंट दिया कि टेलकम पाउडर लंग्स के लिए हानिकारक है और इसे इंटीमेट एरियाज में यूज करने से ओवरीज का कैंसर भी हो सकता है। WHO ने भी यही कहा कि टैल्क टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी कंपनियां इसे खूब प्रमोट करती हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि माएं अपने शिशुओं को लगभग रोज टैल्कम पाउडर लगाती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि कितने साइड इफेक्ट्स हैं इसके। तो क्या कोई हेल्दियर ऑल्टरनेटिव है? जी हाँ, कुछ ब्रांड्स हैं जो टैल्कलेस नॉन लंग इरिटेटिंग डस्टिंग पाउडर बनाते हैं जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर स्विच करें। नंबर दो पे है डिश वॉश लिक्विड। 90% से भी ज्यादा भारतीय घरों में विम डिश वॉश लिक्विड इस्तेमाल होता है। और मुझे ये बताते हुए गुरेज नहीं है कि हर बार जब आप ऐसे बर्तन में खाना खाते हैं जो विम डिश वॉश लिक्विड से साफ किया जाता है, तो आप साथ में कुछ मिलीग्राम सल्फेट और EDTAs भी परोस रहे हैं। सल्फेट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि धोए नहीं धुलते। विम छोड़ो, बाकी ज्यादातर कमर्शियल डिश वॉश लिक्विड सल्फेट बेस्ड क्लीनिंग एजेंट्स को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि विम लिक्विड अपनी बॉटल पे इंग्रेडिएंट्स तक नहीं लिखते? ये तो उनकी वेबसाइट से मुझे पता चला कि इसमें इतने खतरनाक केमिकल्स डाले हैं। रोज रोज ऐसे केमिकल्स के जब कण हमारे शरीर में जाते हैं तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये कंपनियां अपने प्रॉफिट के चक्कर में इतने सस्ते और जहरीले केमिकल्स डाल रही हैं जिससे आम जनता की हेल्थ को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आप विम डिशवॉश लिक्विड इस्तेमाल कर रहे थे तो अब आपको पता है कि इसके साथ क्या करना है। फेंक दो और नेचुरल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो। रस्टिक आर्ट का डिश वॉश लिक्विड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 100% नेचुरल, ये सेफ सर्फेक्टेंट्स और हर्ब से बना है। एक और कॉम्पिटेटिव ऑप्शन है हर्बल स्ट्रेटेजी डिश वॉश लिक्विड। आपको जो पसंद आए ले सकते हैं। फाइनली नंबर वन प्रोडक्ट जो आपको हर हालत में यूज करना बंद कर देना चाहिए वो है रूम फ्रेशनर। एक खुशबूदार रूम किसे नहीं पसंद, लेकिन ये खुशबू आपकी हेल्थ के बदले, ये तो समझदारी नहीं हुई ना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि क्या डाला जाता है इन सो कॉल्ड रूम फ्रेशनर्स में, जिसे हम बिना सोचे समझे रोज रोज अपने घर में स्प्रे करते रहते हैं? इसमें LPG के साथ आर्टिफिशियल खुशबू डाली जाती है। खुद से पूछ के देखिए, क्या आप हमेशा एक आर्टिफिशियली खुशबूदार एनवायरनमेंट में रहना चाहेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एक आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस पे ब्रांड का पेटेंट होता है, जिस वजह से उन्हें ये भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या डाला है उसे बनाने के लिए। इनसे स्किन एलर्जीज, सिर दर्द, अस्थमा और कैंसर तक हो सकता है। अगर आपको खुशबूदार रूम पसंद है तो एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल करो। आपको बड़ी आसानी से इसकी पूरी किट ऑनलाइन मिल जाएगी। अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल डालो और विद इन सेकेंड्स खुशबू पाओ। सो दोस्तों, ये थे वो 5 प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है कि आपको अपने घर से फेंक देने चाहिए। मैंने इनके हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। मैं ये कन्फर्म करना चाहता हूँ कि मैं ना तो किसी ब्रांड के साथ हूँ और ना ही किसी के खिलाफ। जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप चाहते हैं कि मैं इसका Part 2 बनाऊं, तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप अपने लिए एक हेल्दी ड्रिंक ढूंढ रहे हैं तो ऑरिक की लेटेस्ट लॉन्च्ड हॉट चॉकलेट विद अश्वगंधा को ट्राई कर सकते हैं। पलट के इंग्रेडिएंट्स को चेक करो तो आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, 95% कोको सॉलिड्स और 5% अश्वगंधा। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, अनवांटेड फिलर, शुगर या प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ। कोको के साथ अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ब्रेन को शांत करेगा और इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। ये एक इको फ्रेंडली नारियल के कुल्लड़ और चम्मच के साथ आता है। यूज करने के लिए गर्म दूध में 1 चम्मच और एक हॉट चॉकलेट विद अश्वगंधा का डाल दें। नेचुरल स्वीटनर से मीठा कर सकते हैं और सोने से पहले पी लें। और एक हॉट चॉकलेट विद अश्वगंधा खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा ₹300 ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। My name is Vivek. I thank you so much for watching.